अगर आप लोग ने भी ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकते हैं और आपके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, इसमें हम लोग इसके बारे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो अगर स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके जो ये ब्रांच एप्लीकेशन है, ये आपको एनबीएफसी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलती है, आरबीआई के लाइसेंस पे चलती है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको ये कंपनियां क्या क्या कर सकती है। तो कंपनियां आपके ज्यादा से ज्यादा आपका सिविल खराब करेंगी, जिससे आपके सिविल पे बैड इंपैक्ट पड़ेगा, सिविल डाउन होगा, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी लोन आपको मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बस ये आपके साथ हो सकता है, अदरवाइज ये कंपनी आपके साथ कुछ नहीं कर सकती है। ये जो आपको बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम ये सब फेस करना पड़ेंगे, जो ये लोग रिकवरी का जो एक नया नया ट्रिक अपना रहे हैं, तो वो सब कैसे क्या क्या ट्रिक अपनाते हैं वो बता देते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक ये कंपनी क्या अपनाती है, ये आपको कॉल करना स्टार्ट करेंगे जब भी आपका ये ड्यू डेट खत्म होगा। जब आप ड्यू डेट पे बिल नहीं पेमेंट कर पाएंगे तब आपका ये कॉल करना स्टार्ट करेंगे, कॉल करके धमकियां वगैरह भी दे सकती हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और कॉल रिकॉर्डिंग में भी उनसे वक्त मांगना। अगर आपके पास पैसे हैं तो जरूर दे के खत्म कर दीजिए, इन लोगों का पैसा ज्यादा ना रखे जिसपे आपको सिविल पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, सिविल को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है आपके ऊपर, मतलब केस वगैरह नहीं, आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा बस। तो यहाँ पे आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं तो आप वक्त मांग लीजिए। वक्त मांगने कैसे वक्त मांगना है तो वो आपको कॉल पे या फिर आप वक्त मांग सकते हैं या ईमेल आप वगैरह कर सकते हैं कंपनी को, आपके जो प्रॉब्लम है वो बता करके। अगर आपको इस पे भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कैसे हम लोग ईमेल करें तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए। वैसे हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च हो चुका है, तो वहां पे आप जाकर के अपना जो प्रॉब्लम है वहां पे शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है आपको प्रोवाइड करना है तो आप वहां से प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग को, जिसपे हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे आपको जब भी कॉल आए तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अगर आप उसके बाद कॉल उनका आता है तो आप उठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस ये आप जान लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कॉल अगर बता दिए उनको जो प्रॉब्लम है, उसके बाद आप कॉल नहीं उठा रहे तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद बात कर लेते हैं, आप कॉल नहीं उठाते तब क्या होगा, उसके बाद आपके ऊपर नोटिस भेजा जाएगा। क्या वो नोटिस की क्या सच्चाई, तो नोटिस की ये सच्चाई है, ये नोटिस कभी भी कोर्ट के तरफ से नहीं आता है, ये आपको कभी लीगल नोटिस नहीं होता है, कभी ये आपको एक रिमाइंडर नोटिस होता है बस कि आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा? जी नहीं लिया जाएगा लीगल एक्शन। क्यों नहीं लिया जाएगा? कभी भी आपको अनसिक्योर्ड लोन के केस में कभी भी आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं, ना आपके आपके अरेस्ट वारंट, आपके नाम पे अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है, क्या पुलिस आ सकती है? जी नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लोन लेते हैं तो लोन लेना क्राइम नहीं है, ये जान लीजिए आपको। तो आपके ऊपर कभी भी FIR नहीं हो जाएगा जब तक, अगर आप लोग आपके ऊपर तभी FIR होगा जब आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स देकर के लोन लिया होगा, तभी आपके ऊपर FIR और केस हो सकती है बस, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने कंपनी से वक्त मांगना है। जब आपके घर पे आप बात कर लेते हैं, आपके घर पे जब रिकवरी एजेंट भेजा जाए तब आपको क्या करना है, जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो कभी भी आपको कंपनी की तरफ से नहीं आएंगे। जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपके नियर बाय जो आपके लोन रिकवरी कंपनियां होती हैं उनको आपका डेटा भेजा जाता है और उनसे रिकवर करवाया जाता है बस, और कुछ नहीं किया जाता है इन्हें। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब भी वो आए तो आपको रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना, और कुछ नहीं आपको उनसे भी वक्त मांगना, और उनसे ज्यादा वो बहस करे तो आप उनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपका जो प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। बाकी ये कंपनी कुछ नहीं करेगी, कोर्ट वोर्ट में नहीं जाने वाली है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में आज तक कोई भी केस नहीं हुआ गया है, कोर्ट में केस नहीं किया गया है। तो ये भी कंपनी आपको 10-20 हजार, 1-2 लाख के लिए नहीं जाने वाली है कभी भी, अमाउंट ज्यादा हो 5-7 लाख तब ये जाए, अदरवाइज ये नहीं जाने वाली है। तो आपको निश्चिंत हो जाना, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपका सिविल खराब होगा। मैं डिस्क्लेमर फिर दे देता हूं, अगर आपके पास पैसे हो जाए तो आप जल्द से जल्द उनका पेमेंट कर दें। तो अगर आपको थोड़ा भी अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमको मिला, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे कमेंट बॉक्स आकर के जो भी प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।